आज हम लिक्विड सिंदूर बनाना सीखेंगे। इसमें हमें तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये कुमकुम है, ये एलोवेरा जेल है। आप विटामिन ई का कैप्सूल लेना चाहें तो ये इवियन कंपनी के नाम से मार्केट में मिलते हैं, एक कैप्सूल डालना है। अगर वो नहीं डालना चाहें तो आप कैस्टर ऑयल या बादाम का ऑयल या कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, आज हम इसमें कैस्टर ऑयल डालेंगे। जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं उसमें लोग बताते हैं ये कैस्टर ऑयल ही होता है, तो आज हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये देखिए दोस्तों, हमने ये कुमकुम ले लिया है। इसमें हम चार पांच ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल की लेंगे। दिख रहे हैं आप कितना गाढ़ा है, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल का होता है। दोस्तों वन स्पून हमने ले लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऑयल इसलिए डाला जाता है कि इससे शाइनिंग भी आती है और साथ में हमारे को नुकसान नहीं करेगा इसमें से कोई भी चीज़। सिंदूर अगर कोई एक्सपायरी या बहुत पुराना है और हमारे इससे बाल नहीं उड़ेंगे, ऑयल होने से हमारे बालों में भी चिकनाई रहेगी। इसे कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, जिससे कि मांग में जो बीच का सिर का हिस्सा रहता है वो हमारे दिल के नज़दीक रहता है, तो इससे हमें प्यार का भी एहसास ज़्यादा रहता है। इसलिए शादी के बाद सिंदूर जरूर लगाएं और घर का बना लगाएं, तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। अभी हमें इसको, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम अपने जो लिक्विड सिंदूर की खाली बोतलें होती हैं उसमें भर सकते हैं। ये देखिए ये लिक्विड सिंदूर की बोतल है, अब हम इसमें भरना बताएंगे। ये देखिए गोल्ड कलर है दोस्तों, ये गोल्ड कलर खुला भी आता है, आप कोई भी शॉप से ले सकते हैं या पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। आजकल सिंदूर भी जैसे लिपस्टिक शाइनिंग वाली आती हैं, इसी तरह से सिंदूर भी मिलते हैं मार्केट में। हम उसी तरह सा इसमें शेड लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम देखिए हमारा लिक्विड सिंदूर तैयार है। इसमें थोड़ा गोल्ड कलर डाल देंगे। और हमने दो बार ऐसे गोल्ड कलर छिड़क दिए हैं, इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें अच्छा शाइन करेंगे। अगर आपको शाइनिंग कम लग रही हो तो इसमें और बढ़ा लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना शाइन करता हुआ अच्छा लगता है आपको। आपको ये दानेदार वाला अगर चाहिए तो दानेदार वाला गोल्ड पाउडर डाल सकते हैं, और अगर सिंपल प्लेन पाउडर जैसा रहता है जो गोल्ड क्रीम वगैरह में डाला रहता है आप वो डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। गोल्ड कलर के पाउडर भी आता है आजकल, और ये लिपस्टिक नेल पॉलिश शेडो इनमें सब में यूज होता है दोस्तों। इसमें आजकल लिपस्टिक में साथ सिंदूर में भी यूज होने लग गया है, तो हमने इसमें इसका यूज़ किया है। हमें शाइनिंग और कम लग रही है तो हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। दानेदार वाला जो रहता है उसमें हो सकता है मांग में एक अजीब सा फील हो, इसलिए हम ये लिक्विड वाला ही, ये सूखा पाउडर जो है प्लेन वाला ही इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये हमने 1/4 स्पून करीब छोटी वाली इसमें यूज़ कर ली है दोस्तों, ये जिससे कि ये शाइनिंग बहुत अच्छी बैठेगी इसकी लगाने के टाइम में। देखिए शाइन करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने एक इंजेक्शन लिया है
इसके द्वारा हम इसको पहले फिल कर लेंगे और आपको डाल के दिखाते हैं। ये हमने सिंदूर की खाली बोतल ले ली है, इसमें हमने एप्लीकेटर निकाल दिया है। ये ऊपर का पोर्शन होता है जिसको एप्लीकेटर कहते हैं, वो हमने निकाल दिया है। ये देखिए, आप कलर देखना चाहें तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं आपको हाथ पर लगा कर दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं शाइनिंग वाला कलर एकदम बहुत प्यारा बैठा है। आप देख पा रहे होंगे, आपको शाइन करता हुआ हाथ नजर आ रहा होगा, ऐसा ही ये शाइनिंग वाला सिंदूर आपको मांग में नजर आएगा। बस अब हम इसको फिल कर लेंगे। इसमें से स्पून साफ करके पहले निकाल दें। आप स्पून की जगह आप स्टिक भी ले सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक, या आपके पास और कोई आइसक्रीम की छोटी स्पून हो उसका भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे इसको मिक्स करना चाहते हैं। देखिए ये हमारा तैयार है पूरा। ये इंजेक्शन को पहले हम पूरा बंद कर लेंगे और इसमें डिप करके और धीरे धीरे इसको खींचेंगे। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा सिंदूर भरते हुए आ रहा है। नहीं आए तो दोबारा इसको बंद करके फिर ट्राई कीजिए। भर के जितना आ जाएगा उतना भर के आप अपनी ये बोतल है, बोतल में इसका सिरिंज का मुंह लगाकर और इसमें पलट दीजिए। देखिए जितना था वो इसमें पलट जा चुका है। किसी तरह से हम पूरा का पूरा सिंदूर इसमें भर लेंगे और अपनी सिंदूर की बोतल में डालते जाएंगे। सिंदूर को एक तरफ कर लें, फिर आराम से सिंदूर की बोतल में भर जाएगा। पूरा इसी तरीके से ये भर दें, सबसे आसान तरीका है भरने का इंजेक्शन। बहुत से लोग कॉर्न बनाकर, जैसे मैदे की कॉर्न रहती है वो डाल के भी भरते हैं, पर वो मुझे अच्छा नहीं रहता लगता है क्योंकि उसमें काफ़ी तो वेस्ट हो जाता है, प्लास्टिक के कवर में ही चिपक जाता है। इसमें हम प्लास्टिक के नोजल में अगर आएगा भी इंजेक्शन की सीरिंज में तो वो हम वापस इसमें ले सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी बढ़ जाता है, और भरते भरते आप लेके अपनी बोतल में सिंदूर की में डालते जाइए। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मैं इसमें भर रही हूँ। बस ठक ठक करके बोतल को नीचे की तरफ से दबा दीजिए जिससे कि पूरा अंदर के अंदर जाता रहे। ये देखिए बोतल में बहुत सारा भर चुका है और हम जितना अपने पास है पूरा इसमें भर देंगे। इसमें सिंदूर लगाने की नोजल भी बनी होती है तो हमको टेंशन नहीं है कि इसको लगाएंगे कैसे। ये पूरा जब भर जाएगा इसमें एप्लीकेटर का ऊपर का जो ढक्कन रहता है वो लगा देंगे इसमें डिब्बी में, और इसको ये वाले ब्रश की सहायता से यूज़ करेंगे।
ये देखिए हमने इंजेक्शन पूरा खाली कर लिया है और इसका अंदर का पोर्शन है वो भी क्लीन कर लिया है, वो हमने सारा लेके इस बॉटल में भर दिया है। ये पूरा भर चुका है। अब हम इसमें ये एप्लीकेटर लगा देंगे बंद करने का। देखिए लगा चुके हैं, इसका ये ढक्कन भी बंद कर देंगे और इसको पैक करके रख देंगे। अब आप अपने वैनिटी बॉक्स में इसको यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। आपका देखिए फर्स्ट क्लास लिक्विड सिंदूर तैयार है। आप घर का बना ये लिक्विड सिंदूर लगाइए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि लिक्विड सिंदूर हम घर में ही बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। कितना सुंदर कलर आया है, अभी मैंने इसमें लगाया है अपने हाथ में।